बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी कोफ्ता करी रेसिपी है। ये एक इजी सी आसान सी रेसिपी है जो बहुत ही कम समय में बन जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सिराज अहमद रेसिपी चैनल पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपने इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट किया तो जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम ये रेसिपी कैसे बनाते हैं। मिक्सर के जार में हमने 1 अनियन लिया है, 2 रेड चिल्ली, ड्राई रेड चिल्ली, 6 ग्रीन चिल्ली, पुदीना लीव्स, हरा धनिया, ग्रीन कोरिएंडर, इसे बारीक सा ग्राइंड करके ले लेना है। और इसके बाद हमने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है, 2 टेबल स्पून चना लेना है और 500 ग्राम हमने मटन कीमा को अच्छी तरह वॉश करके ड्राई करके ले लिया है वो ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह बारीक सा पीस कर लेंगे। एकदम बारीक पीसना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने छोटे छोटे बॉल बनाकर एक खुले से पैन में रखना है। हल्का सा जगह रहना चाहिए, इस तरह सेट करना चाहिए। फिर हमने मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। 1 कप वाटर ऐड करना है और इसे ढक कर हमें 5 मिनट तक लो फ्लेम में पकाना है। अब इसका पानी ड्राई कर लेना है और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। वाटर ड्राई होने के बाद हमने इसे हल्का सा फ्राई करना है। ऑयल छूट जाता है वाटर ड्राई होने के बाद, इसी ऑयल में हमने हल्का सा फ्राई करना है 2-3 सेकंड के लिए, वरना ये हार्ड हो जाते हैं। हमें सॉफ्ट कोफ्ते चाहिए। ये हमारे कोफ्ते रेडी है। हमने ग्रेवी की तैयारी करना है। 3 अनियन को हमने चॉपर में डाल के सिर्फ चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसे बारीक काट सकते हैं। 1/2 बॉल ऑयल लिया है हमने और ऑयल गर्म हो जाने के बाद हमने चॉप की हुई अनियन को ऐड करना है और इसे फ्राई करते रहना है। हमें इसे गोल्डन फ्राई नहीं करना है, लाइट ब्राउन जैसी फ्राई करना है। वेजिटेबल में हम जो प्याज करते हैं ना, इस तरीके का हमारी अनियन हो जाना चाहिए। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है और इसे भी 1 मिनट तक हमें भून कर लेना है। इसके बाद हमने 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 3 टोमेटो लेना है और 2 ड्राई रेड चिल्ली लेना है और इसे मिक्सर में हमने पेस्ट बना लेना है और मसाले में इसे ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह भून कर लेना है। 5 मिनट तक हमें इसे भुनना है। टमाटर का कच्चापन हमें दूर करना है और इसके बाद हमने 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करना है और 1 टेबल स्पून कर्ड यानी कि दही ऐड करना है। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने 1 कप वाटर ऐड करना है। ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है।
और इसे मिक्स करने के बाद हमने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढककर पकाना है। आफ्टर 5 मिनट पर हमारा ग्रेवी रेडी हो चुका है। अब हमने कोफ्ता जो बना के रखा था उसे ऐड करना है ग्रेवी में और इसके बाद हमने एकदम स्लो स्पून चलाना है ताकि हमारे कोफ्ते टूट नहीं जाते। धीरे धीरे हमें इसे मिक्स कर लेना है और इसके बाद फिर से 2 मिनट के लिए हमने स्लो फ्लेम पे ढक के पकाना है। 1 लेमन जूस ऐड करना है और हरा धनिया ऐड करना है। इसके साथ ही हमारा कोफ्ता करी रेडी है। देखिए बहुत ही इजी से आसानी से बन जाती है ये रेसिपी और बहुत कम समय लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिए। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चलिए इसके साथ इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।